का अध्यक्षता कर रहे हैं नरेंद्र कुमार ठाकुर जी एवं संचालन कर रहे हैं दीपक कुमार जी और यहाँ उपस्थित वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर जी, यहाँ उपस्थित तमाम साथी। तो मैं बिहार राज्य अनुरक्षक संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, हमारा संगठन बिहार राज्य अनुरक्षक संघ 2019 में हम लोग नींव डाले थे और 2019 से संगठन को खड़ा करने के लिए हर एक जगह हर एक लोगों से मुलाकात की है। 2020 में हम लोग 5-7 लोग बैठे थे और 2020 से संगठन को हमने धार दिया, शुरुआत किया और धार दिया कि संगठन को फैलाएंगे। तो हमने पहला बैठक बारिश नगर में किया, उसके बाद खानपुर में किया, उसके बाद कल्याणपुर में। कल्याणपुर में लगातार हम लोग भागरथपुर, मुक्तापुर, बिरसिंहपुर छूटा हुआ, बिरसिंहपुर के बाद गोपालपुर है, तो लोगों को फोन करते थे तो लोग आते थे। उसके बाद संगठन जब मजबूत के कगार पर आए तो मनियारपुर में ही 7वां बैठक चल रही थी कल्याणपुर की। उससे पहले नवीन जी से हमारी बातचीत हुई, नरेंद्र ठाकुर जी से। हमने नरेंद्र ठाकुर जी के उस कड़ाके की ठंड में सुबह 6 बजे उनके घर पर गए मिलने के लिए और नरेंद्र ठाकुर जी से बातचीत करके संगठन को खड़ा किए कल्याणपुर में। और कल्याणपुर में जब खड़ा किए, लोगों को जब मजबूती लाने लगे, आंदोलन भी किए, आंदोलन दूसरा आंदोलन तीसरा आंदोलन के बाद सदस्यता रसीद हम लोगों ने छपाया कि संगठन कैसे खड़ा होगा, संगठन को हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा सदस्य है और हम इनको मदद कैसे करेंगे, क्योंकि सभी तो अनुरक्षक है। तो हम लोगों ने एक राय विचार किया, उसके बाद 22/11/2022 को जिला सम्मेलन किया समस्तीपुर में, कर्मचारी संघ भवन है उसमें जिला सम्मेलन करके बजाबते हम लोगों ने जिला कमेटी बनाई। जिला कमेटी के बाद संगठन मजबूत हुई, लेकिन कल्याणपुर में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए संगठन को तोड़ने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि कल्याणपुर में चंदा वसूली तो ढंग से हुआ, संगठन को गोलबंद किया, लेकिन संगठन में जो काम होना चाहिए था, जिस पर्पस से हमने चंदा लिया, हम हाईकोर्ट में केस करने के लिए ना गए, हमको हाईकोर्ट में केस करना था, नहीं करेंगे तो हमारा प्रतिष्ठा चला जाएगा। हमने भी बारिश नगर में, खानपुर में और कल्याणपुर के कुछ साथी जो भागरथपुर में पढ़ते हैं, मुक्तापुर पंचायत में पढ़ते हैं, उन लोगों से भी हमने पैसा लिया, हमने भी केस के नाम पर लिया। और जब केस के नाम पर पैसा लिया तो हमने केस किया जी। हमारा केस 2702/2024 है। तो हम 32 आदमी थे, लोगों ने कहा कि जितेंद्र खाने के लिए पैसा ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, खा जाएगा। बहुत सा हमारे बीच में जो कल्याणपुर के लोग थे, रिमर उड़ाए और वो अपना अलग कर लिए। तो हमने तो केस कर दिया, लेकिन जो लोग केस के नाम पर चंदा लिए वो क्या किए, तो वो तो अनुरक्षक के साथ धोखा दिए। हमने कल्याणपुर में किसी भी अनुरक्षक के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटी, चाहे रीना देवी के साथ हुआ, चाहे भी छीन लेना बेलसंडी पंचायत में, हमने सबसे पहले वहां पहुंचने का काम किया और उनके घर पर मीटिंग किया और वहां अनुरक्षक को गोलबंद किया और गोलबंद करके हमने वीडियो से आपसे चाबी भी दिलवाया। उसके बाद लदौरा पंचायत के सुमन कुमार के साथ घटना होती है, गोली चलती है 11 नंबर वार्ड में, हमने वहां भी सुबह सुबह पहुंचने का काम किया। निधरा कि हम जाएंगे, लोग कहता था गोली मार देगा, ये कर देगा, ऐसा मामला हम कहे मार देगा तो क्या होगा, अरे संगठन बनाए हैं मरने के बाद जिंदा रहने के लिए ना जी। कि हमको संगठन से कुछ कमाना है, संगठन में निस्वार्थ भावना से लोगों को सेवा करना है, जो मरने के बाद लोग नाम लेता है, जिंदा में तो विरोधी तो क्या, अपना भी दुश्मन बना निकल लेता है, कोई बोलता है
नहीं बोलता है, लेकिन आज हमने संगठन जो समस्तीपुर में बनाया सबसे पहला मेरा बनाया हुआ है, और आज तक के कोई दूसरा अगर बनाया भी संगठन तो कमाने खाने का। आज तक अनुरक्षक के लिए क्या किया, अनुरक्षक के लिए कोई भी अगर मामला उठा तो जितेंद्र कुशवाहा पहुंचने का काम किया, लेकिन जो लोग संगठन बनाएंगे लोदौरा चौक पर ही बैठ के सिमट जाते थे। कभी सुमन के घर पर नहीं गया होगा कि आपके साथ घटना कैसे हुआ, या सुमन का घर नहीं देखा होगा। हाँ, हमने देखा नहीं था, फिर भी हमने सुमन के घर पर गया, पूछते पूछते गए, उसमें राजेश्वर जी भी थे, इनसे भी पूछे कहे फलाने जगह पर गए भी, हम लोग साथ में रहे भी घंटों, हम लोग वहां सुमन के साथ बातचीत किए, और उसके बाद थाना पर फोन करवा के थाना पर हम आए, बातचीत किए कि अगर केस नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही आपके साथ रहेगा। उसके बाद तमाम अनुरक्षक लोग पहुंचना शुरू किए, राजेश्वर बाबू भी कॉपरेट किए खुल के, हमने संगठन को समय दिया है, संगठन में जो भी समस्या हुआ है उसके साथ लड़े हैं। आज हम अनुरक्षक मानते हैं उसको जो 2018 से लेकर के 2020 तक के चयन हुआ है, हम चयन मांगते हैं। हमने पर्सनल खाता पर, स्वयं के खाता पर के लिए हमने डीएम से बात किया, और डीएम से बात जो चले गए उसके बाद हमने विष्णुदेव मंडल जी हैं पंचायती राज विभाग के डीपीआरओ, उनसे बातचीत किया, और उनके बाद हमने ब्लॉक पर प्रदर्शन किया बारिश नगर में। अजमल परवेज जी ने हम लोगों को कहा कि आप लोग हमें एक सप्ताह का मौका दीजिए, हम आप लोगों को पर्सनल खाता